हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। हम आए हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह वॉर मेमोरियल के पास। ये देख सकते हैं यहाँ का गेट, और हमने ले लिया टिकट और अब हम अंदर जाएंगे। और हमारे साथ है हमारे आशीष भाई। कैसे देख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ये दिस इज बेस्ट थैंक्स डिप्लोड इन 1939 रन एट 32 MPH। देख सकते हैं इसमें मशीन गन यूज़ होती थी। और ये देख सकते हैं, ये है फ्रिगेट स्काउट कार। इसमें दो क्रू मेंबर हुआ करते थे, 6 सिलेंडर होती थी और ये 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला करती थी। देखिए यहाँ का वेलकम बोर्ड देख सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम GINU। और देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम में यूज करने वाले हथियार पड़े हुए हैं। ये फ्रंट लॉक गन, और ये देख सकते थे कितने खतरनाक खतरनाक तरीके के हथियार है सारे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम जैसे पीछे मुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ये गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे पास भी होता है आप लोग देख सकते हैं, ये तो क्या ही बोले, विंटेज सारा। देखिए ये गाइस वही हैं जो अंग्रेजों द्वारा यूज़ किया करते थे। ये तलवारें पर ही हमारे जो वीर सोल्जर थे वो यूज़ किया करते थे ये तलवारें। हम आ चुके हैं हीरोज गैलरी में, और ये देख सकते हैं हमारे यहाँ जितने भी शहीद वीर सबकी फ़ोटो लगी हुई हैं, और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। ये ओरिजिनल वॉर की तस्वीरें हैं गाइस, देख सकते हैं ये ओरिजिनल वॉर की तस्वीरें हैं 1948 जब हम लड़ाई कर रहे थे और एक्शन टाइम था। इंडो पाक वॉर 71 देख सकते हैं, ड्यूरिंग एक्शन इंडो पाक वॉर 1971। ये देख सकते हैं आप डेजर्ट फ्रंट, ये देख सकते हैं, ये आई थिंक 1971।
गैलरी बहुत अच्छी बनाई गई है, आप सबको भी यहाँ आना एक बार ज़रूरी है। आप आएँ देखें कि हमारे लिए कितने लोगों ने शहीद, कितने लोग कुर्बान हुए थे, और हम इंडियन आर्मी को नमन करते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ आज़ादी से घूम रहे हैं। देख सकते हैं कारगिल गैरोली पे हम आ चुके हैं। ये उस टाइम की है जब कारगिल युद्ध हुआ करता हो रहा था 1998 में शायद। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या मतलब सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं कुछ रियल तस्वीरें हमारी इंडियन आर्मी की। देखते हैं हमारे वीर जवान, उनकी तस्वीर है ये जो पहाड़ों पे ये देख सकते हैं लॉन्चर रही है गाइस। ये हमारी इंडियन आर्मी यूज करते थे, ये रियल है गाइस। मैं जो ये गाइस देख सकते हैं ये है LMG गाइस, ये लाइट मशीन गन पबजी में आपने जरूर चलाई होगी। BGMI में आपने खेला होगा जिंदगी, पबजी तो बैन हो गई है। और ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी इंडियन आर्मी जो पहाड़ी और ठंडे इलाकों में जाते थे तो ऐसे जाया करते थे वो। गाइस ये वैली का एक देख सकते हैं, ये ऑपरेशन है यहाँ पे, ऑपरेशन विजय में गाइस ऐसे हुआ था, हमारी आर्मी ऐसे लड़ाई करती थी, ऑपरेशन विजय है। और ये किया गया और ये पूरा बनाया गया मॉडल उसी तरह का। और देख सकते हैं कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं वीर चक्र के सम्मानित जो जो ऑफिसर थे वो है, ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, हमें दिल से नमन है इन सब के लिए। ये देख सकते हैं ये शहीदों की याद में बनाया गया है ये। और गाइस ये देख सकते हैं INS राजपूत जो अब तो रिटायर हो चुकी है, कि पहले ऐसे दिखा करती थी और थी। और ये हमारा सबने देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा बना है। I'm not afraid to die.
और देख सकते हैं हमारा कश्मीर, ये POK है, कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, और इसी वजह से हमारे और इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। और ये देख सकते हैं अक्साई चेंज, जिसने चाइना ने ऑक्यूपाइड किया है, लेकिन पाकिस्तान ने गिफ्ट में दिया था चाइना को, इसलिए चाइना ने इस एरिया को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और हम भी अपने इंडियन मैप में पूरा मैप दिखाते हैं कश्मीर का, और क्योंकि हमारा हिस्सा है ये, पाकिस्तान ने और चाइना ने इसको कब्जा करके रखा हुआ है, शुरू से हमारा हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। देख सकते हैं गाइस, कारगिल की वॉर का एक और डिटेक्शन बनी हुई है, कैसे हमारे इंडियन आर्मी लड़ाई करते थे पाकिस्तान आर्मी से, और कितनी ब्रेवरी से उन्होंने हमें ये युद्ध जिताया था। देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा कितना अच्छा है, एंशियंट सोल्जर्स एंड व्हाट वॉरियर्स फोटोग्राफ और फोटो गैलरी, देख सकते हैं हमारे जो वीर सिपाही थे उनके फोटोज बनी हुए हैं यहाँ पे, कैसे वो रहा करते थे ब्रिटिश के टाइम की है। गाइस ये ब्रिटिश जब कॉलोनियल रूल हुआ करता था तब की फोटोज हैं, ये बिल्कुल एक्चुअली डिपिक्ट किया गया है, ऐसे ही था जहाँ तक जी। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, और हमारे इंडियन आर्मी के चीफ ऑफिसर, और ये हमारे टैंक के पास उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, ये रियल है रियल है बिल्कुल, ये फोटो अभी भी ऐसे युद्ध हुआ करते थे उस टाइम के टाइम में। आज के टाइम क्या है गाइस, मिसाइल मारा काम खत्म, हाँ पहले हमें ऐसी लड़ाई करना पड़ता था, हमें कोई न्यूक्लियर बंदूकें लेके जानी पड़ती थी, उस टाइम हमारे पास ना रॉकेट लॉन्चर हुआ करते थे ना कुछ, एक हाथ में होती थी बस बंदूकें और हम लड़ने चले जाते थे। गाइस यहाँ से बाहर का नज़ारा अगर दिखाना चाहें तो बहुत ही प्यारा है, आई विश आई हैड अ गार्डन लाइक दिस। ये गाइस डिफेंस मिनिस्टर हमारे जगजीवन राम थे, वो ये तब की फोटो है जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे माज से, माज के एस चंद्रपुरी। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा ये भी आप देख सकते हैं, हमारे जो वीर जवान थे उनकी फोटो लगी हुई, सब की फोटो लगी है यहाँ पे, जिनसे उनको दिल से सल्यूट है और उनको भी सल्यूट है जिनका नाम ऊपर नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं दूसरी जगह के लिए, देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमें। गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है, ये हमारे ऊपर का हिस्सा है, देख सकते हैं यहाँ से हम सामने से हम आए थे, और बहुत ही गाइस बहुत ही ऑसम जगह है, ऑसम प्लेस है, एक बार ना आप ज़रूर आए यहाँ पे, जो लोग लुधियाने के नहीं हैं जो बाहर के हैं वो भी आए, देखें हमारे इतिहास को, हमारे इंडियन आर्मी जाबाज ऑफिसर को। और ये देख सकते हैं ये हमारा नेवी और एयरफोर्स है, ये शक्ली S-46 पनडुब्बी हुआ करती थी जो अब रिटायर हो चुकी है, और ये देख सकते हैं ये गाइस ये पुराना शिप हुआ करता था, इक्विपमेंट है चलो। तो और देख सकते हैं गाइस ये वही चीज़ है जो इंडियन नेवी इंडिया से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया करते थे, ये रडार सिस्टम है, और दूसरे जहाज पनडुब्बियों को नज़र रखने के लिए भी यही यूज़ किया गया था गाइस, ये सारे वही इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जो हमारे इंडियन नेवी में हुआ करते थे। ये देख सकते हैं गाइस ये हमारे चक्र हैं, अलग अलग चक्र हैं, परमवीर चक्र, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये जब ब्रिटिश के, और ये देख सकते हैं ये जब देख सकते हैं हमारा पनडुब्बी जो ये है, यही ये मॉडल बनाया गया उसका, वही पनडुब्बी ये हुआ करते थे, ये हमारा फर्स्ट फ्रिगेट है, और ये हमारे इंडियन नेवी के चीफ हुआ करते थे, ये INS राजपूत है, और हाल ही में इंडिया ने INS विक्रांत लॉन्च किया है, और INS विशाल की मतलब मेकिंग प्रोसेस चल रही है। देख सकते हैं गाइस हम आ चुके हैं हिस्ट्री गैलरी में, और यहाँ पे हमारे वीर जवानों का इतिहास कैसे लड़ा करते थे वो बताया गया है,
कैप्टन बात भी। तो गाइस पहले के टाइम में ऐसी भारी बंदूकें हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम में, और ये बंदूकों यूज़ हुआ करती थी। ये जो बंदूकें आप देख रहे हैं इसकी आज की कीमत बहुत ज़्यादा है, और ये देख सकते हैं गाइस कैसे हमारे सिख भाई और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, इसमें दिखाया गया है। और ये देख सकते हैं उस टाइम की पड़ी हुई तलवारें, और ये जो कवच हुआ करती थी ये, और भाला पड़ी हुई है जो हमारे वीर यूज़ किया करते थे। और ये देख सकते हैं गाइस ये जब राजा महाराजा के बीच में युद्ध होता था, जैसे एक तरफ हमारे सिख भाई हुआ करते थे, एक तरफ मुग़ल लोग हुआ करते थे, उनके बीच लड़ाई होती थी, तो ऐसा ही सिस्टम होता था गाइस। और ये देख सकते बंदूकें पड़ी हुई हैं, सब इंसेंट बंदूकें हैं, बहुत पुरानी बंदूकें हैं। और ये देख सकते गाइस ऐसे लड़ाई हुआ करती थी। ये हमारे कुछ प्राचीन चीज़ें बनी हुई हैं जो हमारे राजा महाराजा बना के गए थे। और एक और चीज़ गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं मेरी कितनी लंबी बंदूक है गाइस, मेरी हाइट 5'8" है, और ये देख सकते हैं कम से कम 8 फीट की बंदूक है। मैं ये सोच रहा हूँ ये यूज़ कैसे किया करते थे। आज के टाइम में गाइस छोटे छोटे आ चुके हैं, पहले के टाइम में ऐसे हमारे शोल्डर हमारे वीर भाई यूज़ किया करते थे। और ये देख सकते हैं कुछ पुरानी बंदूकें पड़ी हुई हैं उस टाइम के। और ये देख सकते थे ये हाथ में पहन के हम यूज़ किया करते थे, दोनाली पिस्तौल है ये, देख सकते हो कितना ऑसम लगा हुआ है। और गाइस आपने केसरी मूवी तो जरूर देखी होगी, ये उसके रियल जवान है, ये केसरी मूवी के रियल जवान है, ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल चीज पे बनी हुई है। और ये देख सकते हैं लुधियाने की पुरानी स्पेलिंग लोधियाना, पहले लुधियाना को लुधियाना बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे लोधी ने राज किया था, अब लोधी लुधियाना से चेंज होकर लुधियाना बन चुका है गाइस। देख सकते हैं गाइस ये है लोधी, इब्राहिम लोधी है ये गाइस, और ये भी कोई होंगे मुझे पता नहीं है क्योंकि मुग़ल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और ये देख सकते हैं गाइस इन्होंने हम पे राज किया था, हमारे लोगों को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को इन्होंने बहुत बेरहमी तरीके से मारा था। इससे पहली वाली वीडियो में आपको दिखाया था मैं लोधी फोर्ट के बारे में, वहाँ पे जो सुरंग बनी हुई थी वो फिलौर की सुरंग तक जाती थी जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का किला हुआ करता था। और ये देख सकते हैं गाइस ये रामायण का हिस्सा दिखाया गया है। हमारी कल्चर हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया गया, देख सकते हैं ये देख सकते हैं भाला गदा सब कुछ रखा हुआ है गाइस। तो गाइस यही था, ये देख सकते हैं बंदा सिंह बहादुर, ये बंदा सिंह बहादुर है, इनको कोटि कोटि नमन। तो देख सकते हैं गाइस ये है बैटल टैंक, कितना बड़ा हुआ करता था गाइस, मैं सोचता था कि कैसे होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन गाइस अभी सामने देख के गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितने मतलब बड़ा हुआ करता था, और ये बहुत भारी हुआ करता था। और ये देख सकते हैं इसका मिसाइल लॉन्चर है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुआ करते थे। और हम गाइस आगे जा रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस कार आर्मर्ड है, ये हमारी इंडियन नेवी यूज़ किया करती थी गाइस, बहुत ही अच्छा मतलब बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के।
इसके चक्के देख सकते हैं अभी तक पुराने ही लगे हुए हैं, जो थे वैसे ही हैं। ये देख सकते हैं गाइस, टैंक विजय नंद इतना बड़ा टैंक हुआ करता है गाइस वॉर के टाइम यूज़ कर। ये देख सकते हैं इसके हेडलाइट अभी भी है, शायद ये चल भी रहे होंगे, कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा है ये, उसके लोहे वाले चक्के देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं MiG-27, अभी हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं MiG-54 या 55 यूज़ करते हैं, ये MiG-27 है। देख सकते हैं कितना बड़ा होता है गाइस, बहुत ही बड़ा है गाइस, देख सकते हैं। मुझे पहले लगता था कि छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अब जब देख रहा हूँ रियल में, देख सकते हैं कितना बड़ा है ये गाइस, दिल खुश हो गया देख के। देख सकते हैं इसका इंटीरियर, ये इसके विंग्स हैं, 1917 में बना था गाइस, जैसा कि मेरे भाई ने बोला। और देख सकते हैं, हमें लगता था कि ये छोटा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा है, देख सकते हैं कितना बड़ा होता होगा गाइस। इसके मशीन्स हैं, इंजन्स हैं, और वायर व्यवर सब अभी तक लगी हुई है। और ये देख सकते हैं टायर को कितना बड़ा है, थार से भी बड़ा है गाइस ये। और ये देख सकते हैं सुखोई सेवन, अभी सुखोई का बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन आ चुका है, लेकिन देखिए सुखोई सेवन है, ये इंडिया ने रशिया से ख़रीदा था, और देख सकते हैं 1968 में इंडिया ने रशिया से ख़रीदा था। और देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा है ये, वहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक है, इतना बड़ा होगा गाइस, मैंने सोचा ना होगा इतना बड़ा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंजन हुआ करता था गाइस, देख सकते हैं कितना अंदर तक है, इससे आप पता लगा सकते होंगे कि ये सब इतने बड़े बड़े होते हैं। और मुझे पता नहीं था, तुझे भी नहीं पता होगा इतना बड़ा होगा, नहीं पता था ना, नहीं पता गाइस, देख सकते हो फोन का भी कुछ काम होगा। वैसे एक बात बताऊं, इनके विंग्स में ही फ्यूल हुआ करते थे, हैं? हाँ। तो फिर गाइस ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन, जैसे कोई भी इस तरह का जहाज, इस तरह का जेट आसमान से आया करता था तो यही मार के गिराता था, बस निशाना सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। MK-7 टैंक है ये भी बहुत बड़ा हुआ करता था एक टाइम में, हमारे इंडियन आर्मी बहुत ही यूज किया करती थी इसको। ये मिडिल ईस्ट, वियतनाम और क्या कहते हैं उसमें लिखा हुआ सर गाइस, कोरिया में यूज़ हुआ करता था। देख सकते गाइस कितना औसम है। और एक चीज़ देखो गाइस, ये देखो किसी ने बोतल लगा के रखी हुई है यहाँ पे। नहीं नहीं देखो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कोई भी बोतल कहीं भी नहीं रखनी चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, इसको डस्टबिन में फेंक के आएंगे हम। तो गाइस देख सकते हैं ये म्यूज़ियम का बैक साइड है, और ये रहा हमारा टैंक। अब बताते हैं कौन सा टैंक है, ये है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर BTR-16। ये भी गाइस मिडल ईस्ट में यूज़ हुआ करते थे, कमांडो पोस्ट ADR रैक्स में हुआ करते थे, और इसकी 7x62 mm की होती थी, इसके 8 चक्के हैं गाइस, देख सकते हो कितने बड़े बड़े ट्रक के चक्के हैं, और ये भारी भी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। और इस साइड देखो, देख सकते हैं जंगल है, हर एक पेड़ पे नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि कोई काट नहीं सकता, ये सरकारी है गाइस। ये वो जगह पे जहाँ पे अवार्ड्स मिले थे हमारे वीर जवानों को, और कब अवार्ड्स किस लिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं शेर बना हुआ गाइस, और इस पर हमारा शो का चक्र है। तो गाइस मैंने एक चीज़ देखा है, आप भी, आपको भी दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं ये इस सबमरीन के पीछे जो टर्बो लगा हुआ करता था ना, जो जिससे स्पेसशिप आगे जाता था, पैक आता था, वो जिससे टर्बो ये रहा। और देख सकते हैं ये लंगर, देख सकते हैं जिसे अपने जो नेवी जहाज होती थी उसको रोका जाता था, ये वो है गाइस, आपने तो फिल्मों में देखा होगा, लेकिन रियल में दिखा रहा हूँ आपको। और इस जगह ज़रूर आना गाइस, और आपको रिकमेंड करूँगा, इससे आपकी पढ़ाई में भी नॉलेज मिलेगी,
और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई हैं हमारे आर्मी के बारे में, सिख भाई के बारे में बताया गया जो हमारे लिए कुर्बान हुए थे। तो आप ज़रूर आना यहाँ पे गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू, बस सपोर्ट करना आप, एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आपकी तरफ से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड।